और लौट के सबको उसी की तरफ जाना है, लेकिन ये दर्द सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं जी तारे सारे अंधे ठीक ठाक हो जी? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और शाम का टाइम था, मैं थोड़ी सी नैप लेके अभी उठी थी, बर्तन में वॉश करके रख के ही सोई थी, तो दूध भी अभी ख़त्म हो गया था, चाय बनानी थी, खैर छोटा पैकेट रखा था मिल्क पैक वाला, तो अभी फ़िलहाल उसी से मैं एक कप चाय बना लूँगी, क्योंकि इस टाइम मैं घर पे अकेली थी, अम्मी नहीं थी, अम्मी उधर ही थी मकान पे, तो मैंने सोचा कि जब आएंगी तो फिर दूसरी चाय बना लूँगी। तो दूध भी मैंने शाम का फिर मंगा लिया था, क्योंकि दूध गांव से आया था तो वो फ़िलहाल हो गया था ख़त्म, तो सुबह दूध वाले को कॉल करूँगी। दूध जब मेरा गांव से आता है ना, तो तब मैं दूध वाले को छुट्टी दे देती हूँ। दूध वैसे भी इसका बहुत ही पतला दूध होता है, लेकिन अब यहाँ पर ऐसे ही मिलते हैं तो क्या कर सकते हैं। तो जब दूध होता है तो बस फिर उसकी बहुत अच्छी सी मज़ेदार सी चाय बनती है। तो बर्तन वॉश करके सोई थी, उसको भी मैंने सोचा कि ड्राई करके तो इनको भी अलमारी में रख लूँ, इतनी देर में मेरी चाय भी पक जाएगी। रखी है बर्तन जो धोए थे उनको ज़रा ड्राई करके रखूँगी, क्योंकि इन पे पानी के दाग बड़े जम जाते हैं, ख़ास तौर पे स्टील के बर्तन। तो मैं जब भी धोती हूँ तो उसे ऐसे ही ड्राई करती हूँ, क्योंकि जो उन पे पानी के दाग जम जाते हैं ना ड्रॉप्स, तो वो इतने बुरे लगते हैं ना, और ख़ास तौर पे कैमरे में तो बहुत ही बुरे लगते हैं, वैसे नज़र आए ना आए कैमरे में बड़े प्रोमिनेंट हो रहे होते हैं। तो दही भले भी यहाँ पर बनाऊँगी, मीठे वाले दही भले बना लेती हूँ, दही बूंदी समझ लें फातिमा के लिए, क्योंकि वो बहुत ही शौक से दही भले खाती। वो बस थोड़ी सी मेरे पास बची थी, वो भी मैंने इस पे डाल दी है। अच्छा, मैंने दही क्यों मैंने हैंग की हुई दही यूज़ की है वो मैं फिर आगे आपको चल के बताती हूँ। अच्छा, यहाँ पे एक कप चाय भी मेरा बिल्कुल तैयार हो गया था, और बस इसको मैं थोड़ी सी दही डाल के, इसमें चीनी डाल के, और थोड़ा सा मैं इसमें प्याज डालूँगी, तो इस तरह बस वो बहुत ही उसे पसंद है इस तरह के ना दही भल्ले, क्योंकि बाहर वाले वो नहीं खाती, उसमें मसाला ज़्यादा होता है, तो इसमें मैं थोड़ा सा दही भले मसाला डाल देती हूँ, बस इस तरह से करके ना लाइट से बन जाते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। तो टेस्ट मैंने कर लिया है, नमक मिर्च इसका बिल्कुल, मिर्चें तो खैर मैंने नहीं डाली, नमक डाला है, थोड़ा सा हल्का सा दही भले मसाला डाला है, और साथ में चीनी डाली है, एक मैं इसमें छोटा सा प्याज काट के डाल दूँगी। इतनी देर में अज़ान हो गई थी और नमाज का टाइम भी हो गया, तो मैंने सोचा कि चलो पहले नमाज़ पढ़ लेती हूँ, और चाय कवर करके रखती है तो थोड़ी देर बाद ही पी लूँगी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं जी तुम्हारे सारे हैं दे ठीक ठाक हो जी? मैं बस वो मगरिब की अज़ान हो रही थी, मैंने उस टाइम चाय कवर करके रख दी थी, मैंने सोचा कि नमाज का टाइम गुजर जाएगा पहले नमाज़ पढ़ लूँ तो फिर। लेकिन आज सुबह से ना मेरा दिल बहुत ही परेशान था। एक तो कल जिस बच्चे की तदफीन हुई है, बीमार था अपने बाप की वजह से, तो ना अच्छा चलो वो तो अल्लाह का हुक्म जैसे होता है वैसे होता है। मैंने भी अपना एक बेटा खोया है, तो माएँ बच्चों को कैसे संभाल संभाल के रखती हैं। जब हमारे पेट में होता है 9 महीने हम उसको महसूस करते हैं बच्चे को, और जब वो मतलब पैदा होता है उसे हम कैसे मिट्टी से बचा के रखते हैं, मिट्टी में नहीं खेलना, मिट्टी में नहीं जाना, मिट्टी के साथ नहीं खेलना, मिट्टी लग गई है मिट्टी साफ़ कर दो धो दो, तो कैसे मिट्टी के हवाले कर देते हैं। ये एक माँ का दर्द होता है
हर माँ समझ सकती है मेरे इस दर्द को। लेकिन एक जो उसकी ना तदफीन के टाइम एक वीडियो बनाई, वो सोशल मीडिया पे काफ़ी अब आजकल अभी मतलब कल भी चल रही थी, आज भी चल रही, मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई। वो उस वीडियो ने रोंगटे खड़े कर दिए। उस वीडियो से इतना मुझे रोना है, मैंने कभी इस तरह तदफीन बच्चों की नहीं देखी। मैं समझ सकती हूँ, मुझे खुद अपने बेटे का टाइम याद आ गया कि बेशक अल्लाह पाक की मखलूक है, अल्लाह पाक का ही है सब कुछ, और लौट के सबको उसी की तरफ जाना है, लेकिन ये दर्द सिर्फ माँ ही समझ सकती है। तो मेरा ऐसे दिल हुआ कि मैं कहूँ कि जिस जिसके पास वो वीडियो है तो वो सोशल मीडिया से डिलीट कर दें, क्योंकि अभी तो उसकी माँ को खैर होश नहीं होगा, उसका बाप भी खैर अभी बहुत ज़्यादा ही मुश्किल में है। तो वो अल्फाज नहीं है, वो लफ्ज़ नहीं है कि वो हम कह सकें, लेकिन वो बार बार चलेगी, बार बार चलेगी। जो उसके आसपास है वो मतलब हम जानते नहीं थे, एक दिन की वाकिफ भी नहीं थी, लेकिन देखे है ना, तो सच में मुझे बहुत रोना आया है, बहुत रोना आया है। तो प्लीज़ वो वीडियो डिलीट कर दें, क्योंकि वो एक ऐसा दर्द है ना उस चीज़ में कि वो जब उतार रहे थे लहर में, तो वो उसमें ऐसा दर्द था ना कि मैं ना बस मेरे तो खुद अल्फाज नहीं है मेरे पास कि इस दर्द को कैसे मैं बताऊं कि ये चीज़ डिलीट कर दें। अगर आप व्यूज़ के लिए या कुछ भी है, लेकिन ये बहुत दर्द वाला लम्हा है, इसको प्लीज़ डिलीट कर दें। अल्लाह पाक इंसाफ करेंगे, और वो बेहतर इंसाफ करने वाला है। बस उसका चेहरा देखा जब फूलों से भरी हुई इसकी कब्र थी, जब उसका चेहरा बिल्कुल एकदम से सामने आया, कफन हटा, तो बस दिल फट गया। मुझे बहुत ही रोना आया, खैर सबको आया, पूरा मुल्क रो रहा है, मुल्क क्या बाहर के लोग भी इतना रो रहे हैं, और खैर बाहर के लोग तो हमें इतना सपोर्ट कर रहे हैं, इतना हमारे दर्द को समझते हैं, अपने पाकिस्तान के दर्द को समझते हैं। उनकी ये फीलिंग्स देख के हम हार गए हैं, बैठ गए हैं या डर गए हैं, लेकिन वो नहीं डरे, ना हारे हैं, ना बैठे हैं, ना डरे हैं। तो उनकी अजमत को सलाम है कि वो हमारे पाकिस्तान से जा के भी हमारे दर्द को कितना महसूस करते हैं। तो हम क्या रोए, वो भी साथ में हमारे रोए। तो खैर अभी मुझे यहाँ पे कुछ काम था, मैंने आज थोड़ा सा सैनिटरी स्टोर पे आना था, तो कुछ चीज़ें जो थी वो मेरी कम हो रही थी, तो वो देखने आई थी। आज तो मुझे वो मेरे टाइप की मिली नहीं है, मेरे मतलब की मिली हैं, अच्छी नहीं लगी थी, तो फिर मैंने सोचा कि अच्छा मैं ज़रा दोबारा चक्कर लगाऊंगी। आज मैंने खाने में बनाया था थोड़ा सा चिकन टिक्का बनाया था, और साथ में मैं भी उसे मसाला ही लगा रही थी। पहले मैंने चिकन टिक्का निकाल के रखा है, उसमें थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, साथ में दो लेमन डाले हैं। अच्छा, आज मैंने बनाना था क्रीमी टिक्का, उसके लिए मैंने निकाल लिया था चिकन, और इसमें मैंने डाल दिया लहसुन अदरक का पेस्ट, साथ में थोड़ी सी मैंने क्रीम डाली है। एक चम्मच इसमें चाट मसाला डालूंगी, एक चम्मच मैं इसमें पेपरिका पाउडर डालूंगी, और एक चम्मच मैंने इसमें लेमन टार डाला था, और बाकी मैं इसमें थोड़ा सा गरम मसाला वो थोड़ा थोड़ा डालती हूँ, क्योंकि उसका टेस्ट फिर काफ़ी तेज़ हो जाता है। अभी ये फ्रीज़र से चिकन निकाला है, तो बस थोड़ी देर में ये मेल्ट होगा ना, तो फिर ये बड़ा अच्छा सा मैरिनेट हो जाएगा। अच्छा, ये यहाँ पे मैंने टिक्के को मसाला लगा दिया है, और ये थोड़ी देर के लिए मैरिनेट होगा, तो उस इतनी देर में मैं फिर इसके साथ कुछ सैलड बना लेती हूँ। सैलड टिक्के के साथ सैलड बहुत अच्छा लगता है, चटनी हो, सैलड हो, सॉस हो, बहुत अच्छा लगता है। तो अभी मैं कर लेती हूँ सैलड की तैयारी। आज मैं बनाऊंगी चिकन टिक्के के साथ मशरूम सैलड, उसके लिए मैंने निकाल लिए थे खीरे, और प्याज मैं इसमें थोड़ा डालूंगी, इसमें प्याज थोड़ा ही जाता है। टमाटर वगैरह मैं इसमें कुछ भी नहीं डालूंगी, बस दो खीरे मैंने काट लिए हैं, साथ में प्याज काट लिए हैं, मशरूम का जो मैंने टिन पैक लिया था वो निकाल लिया है। अच्छा, पहले मैं ऐसे टिन पैक लेती थी ना, मिक्स फ्रूट का लूँ या मशरूम का लूँ या इस तरह किसी भी चीज़ का लूँ,
तो बड़ी तंग होती सी, छुरी ले के डंडे के साथ उसे मारना, उसे फिर खोलना। वो कई दफ़ा मेरा हाथ भी ज़ख्मी हो गया, उसके कॉर्नर बड़े तीखे हो जाते थे, वो लगते थे, क्योंकि वो बिल्कुल आधा बंदा खोलता था और बेसब्रा हो जाता था, बस इसे टेढ़ा करके निकाल ले। तो जब से ये चीज़ें आई हैं ना, ये फिर ज़िंदगी की खैर बहुत आसान कर देती हैं। देखिए अब कितनी आसानी से ये पूरा टिन पैक खुल जाता है। अच्छा मैंने भी जब से ये लिया है ना, अब मुझे टिन पैक लेने में बड़ा, पहले मुझे बड़ा मुश्किल होता था, मैं लेती नहीं थी टिन पैक में, क्योंकि मुझे खोलने में बड़ा अजाब लगता था। अब जब से ये लिए, ओपनर लिए, तो अब आसानी से हो जाता है काम। मशरूम सॉस के लिए मैंने खीरे को काट लिया था इस तरह बारीक करके, और साथ में मैंने प्याज भी बारीक कट करके ही डाल दिए थे। प्याज मैं बिल्कुल थोड़े से डालूंगी और इसको ऐसे थोड़े थोड़े खोल देने हैं, हाथ से मसल देने हैं, ताकि ये थोड़े मतलब अलग अलग हों, इकट्ठे अच्छे नहीं लगेंगे। तो मशरूम मैं इसमें निकालूंगी, 2-3 मशरूम बस काफ़ी हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा भी फिर भरमार हो जाना तो वो भी फिर खाया नहीं जाता। बस इसको काट लूँगी। तो अभी मैंने सैलेड की ड्रेसिंग के लिए दही जो मैंने हैंग करके रखा था वो अभी मैंने निकाल लिया। देखिए कितना गाढ़ा दही हो गया है। ड्रेसिंग थोड़ी मतलब इतनी ज़्यादा रनी रनी ना हो, थोड़ी थिक सी अच्छी लगती है, क्योंकि दही फिर पानी छोड़ देती है। सब्ज़ियाँ डालूंगी तो मज़ीद पानी छोड़ देंगी, इस वजह से फिर जब गाढ़ा दही होगा ना तो वो भी ठीक रहेगा। इसमें थोड़ा सा मैं मायो डाल दूँगी, और साथ में इसमें डाल दूँगी थोड़ी सी क्रीम, क्रीम सिर्फ 1 चम्मच डालूँगी, ज़्यादा हैवी हो जाएगा। तो थोड़ी सी मैं माया डाल दूँगी, थोड़ी सी क्रीम डालूँगी इसमें। अभी आ गई है जी स्पाइसेस की बारी, और इसकी मैं ड्रेसिंग तैयार करती हूँ। तो इसमें स्पाइसेस ये हैं, 1/2 चम्मच मैंने इसमें डाल दिया था काली मिर्च का, 1/2 मैंने इसमें डाल दिया था, नमक मैंने थोड़ा डाला था क्योंकि मेयो में नमक था, 1/2 ही चम्मच मैंने इसमें चीनी का डाला था, थोड़ी सी मैंने इसमें डाल दी थी मिक्स हर्ब, और थोड़ी सी ओरिगानो डाली थी, साथ में मैं थोड़े सा इसमें डाल दूँगी चिली फ्लेक्स। तो ये बड़ी ही मज़ेदार सी ड्रेसिंग, कभी आप बना के देखिएगा, बहुत अच्छी लगी थी, ख़ासतौर पर तिक्के के साथ तो बहुत ही अच्छी लगी थी। इसको ज़रा ठीक से फेंट लूँगी, क्योंकि इसकी गुठलियाँ जो है ना वो नज़र नहीं आनी चाहिए, ड्रेसिंग में गुठलियाँ बहुत बुरी लगती हैं, थोड़ी स्मूथ सी स्लिक सी अच्छी लगती है। बस इसको इतना फेंट लूँगी ये बिल्कुल स्मूथ सी हो जाएगी, देखिए बिल्कुल रनी रनी सी स्मूथ सी हो जाएगी। बस अभी इसमें जो भी वेजिटेबल्स हैं वो डाल देती हूँ। सारी सब्जियाँ मैंने इसमें डाल दी हैं, मशरूम, कॉर्नस, प्याज और खीरे। जो ड्रेसिंग मैंने बनाई है अभी वो मैं इस पर डाल दूँगी, और ये देखें इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। स्मूथ सी है ना तो बड़ी प्यारी लगती है, देखने में बड़ी अच्छी लगती है। थोड़ा सा इसमें बस हरा धनिया डाल के इसको रख देती हूँ फ्रिज में, और इतनी देर में मैं फिर अपना टिक्का बना लेती हूँ, मैरिनेट हो गया होगा। अच्छा मैंने आज थोड़ा सा अपने लिए बनाया था फ्रूट कस्टर्ड, और उसके लिए मैंने कस्टर्ड भी साथ में बना लिया था। यहाँ भी मैंने लिया था फुल क्रीम दूध ले लिया था, और साथ में मैंने बस थोड़ा सा कस्टर्ड डाल के, मैंगो कस्टर्ड डाल के मैंगो कस्टर्ड बना लिया। यहाँ भी हमारा कस्टर्ड तैयार हो गया, और देखिए कितना स्मूथ सा कस्टर्ड बना है। अगर स्मूथ मतलब थोड़ा गुठलियों वाला भी कभी कभी बन जाता है, कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, तो फिर उसे ब्लेंड कर लिया करें, फिर भी काफ़ी स्मूथ हो जाता है। अगर इसमें क्रीम ऐड करनी है, कंडेंस मिल्क ऐड करना है, तो वो फिर इसको थोड़ा सा ठंडा होने दें। वैसे मेरे पास कंडेंस मिल्क भी है और क्रीम भी है, जब ये थोड़ी सी ठंडा हो जाएगा ना कस्टर्ड, तब मैं इसमें डाल दूंगी कंडेंस मिल्क, थोड़ा सा डालूंगी, और थोड़ी सी मैं डाल दूंगी क्रीम, क्योंकि ऑलरेडी मैंने लिया है फुल क्रीम मिल्क लिया है, तो फिर इतना ज़्यादा फिर बनता नहीं, काफ़ी हैवी हो जाता है, मीठा फिर इतना खाया भी नहीं जाता। बस थोड़ा थोड़ा सा ऐड करूँगी, ये इलायचियाँ मैंने डाली हैं, तो ये देखें छोटी मेरे पास डब्बे रखी थी, 2 डब्बे मेरे में, एक बड़ा था एक छोटा था, तो फिर मैंने सोचा कि चलो छोटा कंडेंस मिल्क इसमें डाल देती हूँ। बटर 1 चम्मच मैं इसमें बटर डाल दूँगी, और जो टिक्का मैरिनेट हो गया सारा मसाला इसका बहुत अच्छा लग गया होगा, कोट हो गया होगा, तो बस अब इसे 1 by 1 करके डाल के और इसे यहीं इसमें पका लेती हूँ। थोड़ा सा मैं इसमें ऑयल वैसे नहीं डालूंगी,
लेकिन देखूंगी अगर बटर जलने लग गया ना फिर मैं थोड़ा सा इसमें एक चम्मच ऑयल डाल दूंगी। चिकन मैंने सारा इस पर डाल दिया, अभी आहिस्ता आहिस्ता पक जाएगा, बस इसे हल्का हल्का टर्न करेंगे, देखेंगे बहुत अच्छा सा लाइट सा कलर आएगा। देखें बहुत अच्छा लाइट सा कलर आ गया। बस मैंने थोड़ी सी इसमें हरी मिर्ची काट के डाल दी थी, पानी के 2-3 बार मैंने छींटे दिए थे क्योंकि इसे टिक्का ना बड़ा सॉफ्ट नरम सा होता है, अदरवाइज़ अगर सिर्फ हम मैरिनेशन में इसे पकाएँगे ना तो वो हो सकता है वो थोड़ा बहुत सख्त रह जाए, लेकिन पानी के छींटे देने से ना तो ये बहुत अच्छा नरम सा सॉफ्ट सा हो जाएगा। जितनी देर में चिकन टिक्का तैयार होता है हम ने जो कस्टर्ड बनाया था ना वो असेंबल कर लेते हैं। बस मैंने 2 ग्लास ले लिए हैं, 2 ही लेने थे, मैंने बिल्कुल थोड़ा सा बनाया था, मेहमान तो थे नहीं, सिर्फ घर के लिए बनाया था। तो बस मैं इसमें पहले कस्टर्ड डाल लेती हूँ। इसमें मैंने एक एक लेयर डाली है कस्टर्ड की, एक एक मैं लेयर डाल दूंगी इसमें फ्रूट केक की, फिर मैं थोड़ा सा इसमें कस्टर्ड डाल के फ्रूट डाल दूंगी, थोड़ी सी क्रीम डाल दूंगी, बस इस तरह से बहुत अच्छा मीठा बन जाता है। फ्रूट केक, कस्टर्ड, फिर फ्रूट केक और फिर फ्रूट डाले हैं, उसके बाद थोड़ी सी मैंने कस्टर्ड की लेयर दे दी है, उसके बाद इसमें मैं डाल दूँगी आजकल अनार बड़े अच्छे हैं, रेड वाले अनार डाल दूँगी, खूबसूरत बड़े लगते हैं। तो बस ये मीठा आज बड़े दिनों बाद मैंने मीठा बनाया है घर पे, मैं मीठा घर पे बहुत कम बनाती हूँ, ये तो अम्मी की वजह से, क्योंकि अम्मी को शुगर है तो जब बनता है तो फिर ज़ाहरी बात है फिर दिल तो करता है ना, तो मैं फिर बहुत कम बनाती हूँ, ना मैं बनाऊँगी ना उनका दिल चाहेगा, मतलब मैं मुझे खुद को भी इतना वैसे पसंद नहीं, लेकिन कभी कभी बहुत अच्छा सा बना लेती हूँ। जब हम वीडियो शूट करते हैं तो इस तरह से कुछ खिला रहा होता है और मेरा तो बिल्कुल ही स्लैब छोटी सी है, तभी तो ये आपको बहुत ही मैंने बड़े सलीके से काम किए तो फिर भी इतना खिला रहा है। खैर अभी मैं इसके साथ बना लूँगी जी नान, और मैं नान निकाल लाई हूँ, शीरमाल है, शीरमाल मैं इनको अभी बस जस्ट गर्म कर लेती हूँ, इनका टेस्ट बड़ा अच्छा है। तो बस डॉन को काट लेते हैं, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, बट हमने इसे काट दिया, ठीक है। तो अभी इसमें से निकाल लेते हैं जी नान, ये देखिए कितने खूबसूरत से नान है, इनको हम कर लेते हैं बटर लगा के थोड़ा सा गरम। नान भी मैंने बटर के साथ गरम कर लिए हैं, टिक्का भी मैंने प्लेट में निकाल लिया, बस इसको थोड़ा सा डाल देंगे धनिया, और 2 नान काफ़ी हो गए थे, इतने हैवी हो जाते हैं ना, बस 2 ही नान काफ़ी हो गए थे। चलें जी बड़ी मुश्किल से मैं, मेरी आज काफ़ी लंबी थोड़ी रेसिपीज हो गई थी, चलो बस अभी एंड हो गया। मेरी वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। टिक्का निकाल लेते हैं साथ में, हमारा बड़े मज़ेदार सा मशरूम सैलड निकाल लेते हैं और नान के साथ खाएंगे। आप भी ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह पसंद आ जाएगा। वीडियो मेरी पसंद आ जाए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू मेरी जान, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।